हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब एंड माय सेल्फ अंशुल धीमान। सो गाइस, आज की मेरी इस वीडियो में मैं फिर से हमारे जो सेकंड आपकी सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज़ जो कि अभी आपकी आ चुकी है, आपको सभी जो है क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है, वन अर्थ वन फैमिली सेव अर्थ, तो ये टॉपिक आपको दिया गया है। और इसके साथ ही ऑप्शन में आपको एक और टॉपिक दिया गया है जिसकी वीडियो भी जल्दी ही अपलोड होने वाली है। सो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर हैं तो जल्दी से गाइस डोंट बी लेट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये आपको भी पता है। सो जो है इसका सेकेंड टॉपिक जल्दी ही आने वाला है, या फिर अगर आप चाहते हैं आप को किसी और टॉपिक की किसी भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो ये फर्स्ट वाली सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज़ के हमने सभी टॉपिक्स डिस्कस किए थे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं, तो हमेशा मैं लेके आती हूँ। ये आपका जो सेशन चल रहा है ये है आपका 2023-24 का सेशन है, तो इसी की सेकंड वाली सीरीज़ है ये। इसका टॉपिक अब हम देखते हैं। इसमें आपको जो लिमिट दी गई है वो है आपकी 150 वर्ड्स का पैराग्राफ आपको देना है। तो अब हम देखते हैं। एज वी ऑल नो दैट अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लैनेट हैविंग लाइफ इन द यूनिवर्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, एक ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है पूरे यूनिवर्स में। सो वी शुड रिस्पेक्ट एंड मेंटेन एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम अवर मदर अर्थ। सो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें जो है मतलब जो भी हमें हमारी मदर अर्थ से मिलता है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द डिवाइन क्रिएटेड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन दिस यूनिवर्स, यानी कि हर तरीके की लिविंग और जो है जैविक और अजैविक जिसको हिंदी में बोलते हैं थिंग्स बनाई गई हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट्स टू को एग्जिस्ट टूगेदर इन हार्मोनी। ठीक है, ऑल लिविंग बींग लव दियर फैमिली, यानी कि जो सभी लिविंग बींग्स होती है वो अपनी फैमिली से लव करती हैं। दे आर कंपेनियंस ऑफ दियर हैप्पीनेस एंड सोरो, वो उनकी जो है खुशी का, उनकी जो है हैप्पीनेस का, उनकी सोरो का क्या है, कंपेनियन है। वी शुड ट्रीट ईच अदर विद रिस्पेक्ट एंड वी शुड लाइव लाइक अ फैमिली, हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए सभी लोगों को और एक फैमिली की तरीके से अपनी अर्थ में, जैसे कि जो भी कंट्रीज भी है जो लड़ाइयाँ होती रहती है, मतलब क्या होता है लड़ाइयों से कुछ भी नहीं होता है, कुछ रिजल्ट अच्छे तो आते नहीं है इनके, तो अच्छे से एक फैमिली की तरह अपनी अर्थ को लेके चलना चाहिए हमें। वी शुड सेव अवर अर्थ, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट लिवेबल, लाइफ इज पॉसिबल ऑन द प्लैनेट अर्थ एंड इट्स रिलेटेड रिसोर्सेज, अवर अर्थ गेट्स नथिंग इन रिटर्न फ्रॉम अस, हमारी जो पृथ्वी है हमसे कुछ भी नहीं चाहती है, बट डिमांड्स टू रिसीव इट फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ हेल्दी लाइफ ऑन अर्थ, लेकिन हाँ जिससे कि हेल्दी लाइफ हो हमारी अर्थ पे उसके लिए हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें जरूर होना चाहिए। द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस विल बी डिफिकल्ट इन द नियर फ्यूचर, आने वाले जो फ्यूचर में भविष्य में हमका सभी लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम इसी तरीके से करते रहे। लार्जली डिपेंडेंट ऑन अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज, सेव द अर्थ मदर, यानी कि हमें अपनी मदर अर्थ को सेव करना चाहिए। फिर हमने लास्ट में अट्रैक्टिव सी कोटेशन लिखी है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, आप अपने पैराग्राफ के स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। इफ़ यू टेक द टाइम टू लिसन टू इट, इफ़ यू टेक द टाइम टू लिसन टू इट यू विल डेफिनेटली बी वॉन ओवर टू इट्स साइड, ये अर्थ के बारे में ही है कोटेशन। सो गाइज, आई होप ये पैराग्राफ आपको पसंद आया है। जल्दी से ही आपका नेक्स्ट पैराग्राफ अपलोड होने वाला है, तो आपके अगर कोई कजन्स भी हैं, आपके जो भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, वो बाकी किसी और क्लास में है, तो उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि उनकी क्लास का भी जो आपकी एक्सप्रेशन सीरीज़ का टॉपिक है वो जल्दी अपलोड होने वाला है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और ये वीडियो आपके लिए बहुत जो है इम्पॉर्टेंट भी है, सो हेल्पफुल होगी मेरी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद अब आ ही गई है तो सो गाइस प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं बता दूं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एजुहबीदंशु के नेम से, जल्दी से जाइए वहाँ पे मुझे फॉलो करके पर्सनली टेक्स्ट करके बताइए, मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी, बस आपका मुझे ऐसे ही सपोर्ट चाहिएगा। ठीक है, सो कीप सपोर्टिंग, गुड लक फॉर योर
कंपटीशन एंड फॉर योर एक्सप्रेशन सीरीज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।